हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द लिटिल वर्ल्ड इंडिया। तो फ्रेंड्स, मच्छर यानी कि मॉस्किटोज पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों के लिए भी बहुत हार्मफुल होते हैं। अगर बच्चे बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं तो उन पे मॉस्किटोज बाइट बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, लेकिन बड़े बच्चे उसे टैकल कर लेते हैं। अगर बड़े बच्चों को मच्छर काटता है तो वो उन्हें अपने हाथ से मार के उसे हटा भी सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गर्मियों के मौसम में मच्छर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उस वक्त हमें अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रखना होता है। लेकिन गर्मियों के बाद जो मौसम आता है यानी कि बारिश का पानी गिरने से आपके घरों के आसपास यानी कि गड्ढों में, नालों में, आपके आसपास कहीं भी जो बरसात का पानी जमा हो जाता है, वो बरसात का जमा हुआ पानी मच्छरों का घर बना लेता है। इसमें मच्छर बहुत तेज़ी से पनपते हैं और अगर ये मच्छर आपके बच्चों को काटेंगे तो बहुत सारी बीमारियां दे जाते हैं, जैसे कि डेंगू और मलेरिया। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप अपने छोटे बच्चों को बचा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इन केस आपके बच्चों को मच्छर ने काटा है तो आप उसमें कुछ होम रेमेडीज यूज़ कर सकते हैं जो आपके घरों में ईजिली अवेलेबल है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा के ऑल कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो ज़रूर करिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए करते वीडियो स्टार्ट। मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रिकॉशन शेयर करने वाली हूँ जो आप इजीली अपने बच्चों पे फॉलो कर सकते हैं। पहला है यूज़ मॉस्किटो नेट्स, यानी कि आपको अपने छोटे बच्चों पे मच्छरदानी का यूज़ करना चाहिए, यानी कि मॉस्किटो नेट का। न्यू बॉर्न बेबीज़ यानी कि 0 to 6 मंथ तक बच्चे, वो बहुत छोटे होते हैं, उन पे अगर मच्छर बैठता है, उन्हें बाइट करता है तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है और साथ ही में उन्हें कैसा रिएक्शन देना है। लेकिन बड़े बच्चे इतने ज़्यादा समझदार हो जाते हैं कि अगर उनके बॉडी पे मच्छर बैठ रहा है तो वो अपने हथेली से मच्छर को मार सकते हैं। तो आप अपने छोटे बच्चों के लिए हमेशा मच्छरदानी यानी कि मॉस्किटो नेट का यूज़ करिए, वो बहुत ही ज़्यादा सेफेस्ट मेथड होता है। आप अपने बच्चों को कोई भी सीज़न में कैसे भी वक्त में मच्छरदानी में सुला सकते हैं, क्योंकि बच्चे उस वक्त सिर्फ देखेंगे, खेलेंगे, एक्टिव रहेंगे, लेकिन वो भागेंगे नहीं। तो इस वक्त आप अपने बच्चों को मच्छरदानी के अंदर रख के उन्हें बचा सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मच्छरदानी कहीं से भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर मच्छरदानी यानी कि मॉस्किटो नेट में गैप्स आ रहा है तो आप उस मॉस्किटो नेट में स्क्रीन रिपेयर करिए, यानी कि आप नॉर्मली सूई धागा से उसे सिल दीजिए। अगर आप अपने बच्चे को कॉट में सुलाते हैं तो उसको भी आप मॉस्किटो नेट से ढक के रखिए, जिसके वजह से आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा सेफ रहेगा। अगर शाम के वक्त आप अपने बच्चों को राइड पे ले जाते हैं यानी कि प्रैम्स में, स्ट्रॉलर में, तो उसमें भी आप मॉस्किटो नेट को लगा सकते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है तो आप अपने घरों की खिड़की और दरवाजों में नेट स्क्रीन लगा सकते हैं, जिससे आपका बच्चा और आपके घर में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रहेगी। तो दूसरा प्रिकॉशन है, आपको अपने बेबीज यानी कि बच्चों को स्किन को अच्छे से कवर करना है। जैसे कि अगर आप बाहर अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं तो आप अपने बच्चों को फुल बॉडी सूट्स पहनाएं या तो फिर रोम्पर्स पहनाएं, जिसके वजह से उनका हाथ और उनके पैर सारे ढके हुए रहेंगे। मच्छर को कपड़े के अंदर बाइट करना बहुत ही ज़्यादा टफ पड़ जाता है, लेकिन अगर उनके बॉडी पार्ट्स खुले हुए रहेंगे, वो एक्सपोज रहेंगे, तो मच्छर इजीली उस पर बैठेगा और साथ ही साथ बच्चों को बाइट भी करेगा। आप अपने बच्चों को फुल स्लीव्स टी शर्ट्स पहना सकते हैं, फुल स्लीव्स पैजामा या तो फिर पैंट पहना सकते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपोज जो एरिया रहता है वो है फेस और उनके लेग्स यानी कि पैर। फेस को तो हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो बच्चों के पैर हैं वो ज़्यादातर खुले रहते हैं। क्योंकि आप बच्चों को जब भी बाहर लेके जाते हैं तो उनको शूज़ पहना के लेके जाए, वजह से बच्चों का लेग्स ढका हुआ हो और उस पर मच्छर काटने का डर ना हो। थर्ड है, अवॉइड लाइट कलर्स एंड फ्लावरी प्रिंट्स। कोई भी इंसेक्ट्स, यहाँ तक कि मच्छर, लाइट कलर्स और लाइट से बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं, और उसमें भी खास करके फ्लावरी प्रिंट्स। तो आप अपने बच्चे को म्यूटेड कलर्स और पैटर्न प्रिंट्स में ही पहनाएं, जिसके वजह से मच्छर उसमें अट्रैक्ट ना हो और आपका बच्चा सुरक्षित रहे। चौथा है, अवॉइड फ्रेग्रेंस यानी कि सेंटेड प्रोडक्ट्स। मच्छर या तो फिर कोई भी इंसेक्ट्स अच्छे स्मेल से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आपको अपने बच्चों पे बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस वाला कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए। पहली बात तो आप बच्चों को जो नहलाने के लिए सोप यूज़ करते हैं वो बेबी सोप होना चाहिए, जिसका फ्रेग्रेंस बहुत ही माइल्ड रहे। और दूसरा चीज़, बच्चों के कपड़े धोने के लिए जो आप सर्फ या डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं
उसका भी फ्रेग्रेंस बहुत ही माइल्ड होना चाहिए। जितना सेंटेड प्रोडक्ट्स रहेगा बच्चों के लिए उतना ही ज़्यादा हार्मफुल रहेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा सेंटेड प्रोडक्ट्स में एक्स्ट्रा केमिकल्स डाला हुआ रहता है जो आपकी बच्चों की बॉडी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप अपने छोटे बच्चे या टॉडलर्स पे बिल्कुल भी परफ्यूम्स और डियो का यूज़ ना करें। फोर्थ प्रिकॉशन है, आप अपने बच्चों को एक्स्ट्रा वाटर दें, जिसके वजह से कि आपका बच्चा हाइड्रेटेड रहे और साथ ही साथ बच्चों को कूल रखने की कोशिश करें। बड़े बच्चे यानी कि टॉडलर्स बाहर गार्डन में, प्ले एरिया में खेलने जाते हैं, तो उस समय उनको बहुत ही ज़्यादा फिजिकल एक्टिव करना होता है, जिस वजह से बच्चों को बहुत स्वेटिंग आती है और स्वेटिंग की वजह से जो स्मेल क्रिएट होता है, मच्छर उस स्मेल से भी बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए आप अपने बच्चे को हमेशा एटलीस्ट 1 or 2 हैंकी दीजिए। जब भी बच्चे को स्वेटिंग आए, बच्चे उसे वाइप कर ले। स्वेटिंग के जो स्मेल है, मच्छर, इंसेक्ट्स या कोई भी बग्स उससे बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं, जो आपके बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिफ्थ प्रिकॉशन है, आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम में अपने बच्चों को बाहर खेलने नहीं भेजना है, यानी कि शाम के समय और रात के समय मच्छर बहुत ही एक्टिव होते हैं। शाम के और रात के समय आपको अपने बच्चे को बाहर गार्डन में, पूल एरिया में या तो फिर आपके घर के बैकयार्ड में खेलने ना भेजें। अगर इन केस बच्चा फिर भी जा रहा है तो आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा केयर देने की ज़रूरत पड़ती है। तो सूरज ढलने के बाद यानी शाम का वक्त होता है, आप अपने घरों की खिड़कियाँ, दरवाज़ा यानी कि जो भी चीज़ ऐसा है जिसके वजह से कि मच्छर घर के अंदर आएगा, उसको टोटली आप बंद कर दें। देन सिक्स प्रिकॉशन जो कि लास्ट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको अपने घरों में टाइम टू टाइम क्लीन करना है। आप अपने बच्चों के टॉयज़ को टाइम टू टाइम साफ करिए और उसको अच्छे से सजा के रखिए। अगर कुछ भी चीज़ें ऐसे फेंका पड़ा होगा तो वो मच्छरों का घर बनाएगा। कोई भी घरों का कॉर्नर है, डार्क एरिया है, वहाँ पे मच्छर छुप के बैठे रहते हैं। जब भी आपको लगता है कि मच्छर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो आप अपने घर को साफ करिए। जो भी एरिया आपको लग रहा है कि जहाँ मच्छर छुप के बैठे हो सकते हैं, उसको आप क्लीन करिए और उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करिए। तो ये तो था कुछ प्रिकॉशंस जो आप अप्लाई करके अपने बच्चों को बचा सकते हैं मॉस्किटो बाइट्स से। अब तक आप यही सोच रहे होंगे कि मैंने कोई भी मॉस्किटो रेप्लिकेंट्स की बात क्यों नहीं करी, क्योंकि जो भी मॉस्किटो रेप्लिकेंट्स में इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि डीट, ये आपके बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। अगर आपके बच्चे 2 महीने से छोटे हैं यानी कि इन्फेंट्स हैं, तो उनके कोई भी मॉस्किटो रेप्लिकेंट्स में अगर डीट पाया जाता है तो आप बिल्कुल भी उसे यूज़ ना करें। और अगर आपके बच्चे 2 महीने से बड़े हैं और आपके घरों के आसपास या घर में बहुत ही ज़्यादा मच्छर है, मॉस्किटो रेप्लिकेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करनी है कि उसमें अगर डीट है तो डीट की मात्रा 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप ओडोमॉस लगा सकते हैं। अगर आपके बच्चे बाहर खेलने जा रहे हैं तो उनके हाथों में, पैरों में आप ओडोमॉस लगा दीजिए। लेकिन ओडोमॉस को आपको बच्चों के फेस में नहीं लगाना है, उनके आईज़ में, उनके माउथ में नहीं लगाना है। बच्चों को अगर कहीं पे भी कट लग गया है तो वहाँ पे भी ना लगाए। अगर बच्चों को रैशेस है तो उस पे भी आप नहीं लगाए, क्योंकि अगर आप रैशेस पे लगाएंगे तो रैशेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप मॉस्किटो के पैचेस लगा सकते हैं, वो सिंपली आप अपने बच्चों के कपड़ों में चिपका दें। आपको वो पैचेस बैक साइड में चिपकाना है ताकि बच्चों का वहाँ हाथ ना जाए और बच्चा वहाँ से निकाले नहीं। फैब्रिक रोल ऑन का यूज़ कर सकते हैं, सिंपली उसके 2 डॉट हाथ में, 2 डॉट पैर में आपको लगाना रहता है। उसका फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है जो मच्छरों को अट्रैक्ट नहीं करता है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर वो फ्रेग्रेंस से आपके बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में या कोई भी आपको रिएक्शन दिख रहा है, तो तुरंत ही आपको अपने बच्चों का कपड़े चेंज कर देना है। मार्केट में मच्छर मारने के लिए कॉइल भी अवेलेबल है, तो आपके घरों में अगर बच्चे हैं तो आप वो कॉइल को बिल्कुल भी यूज़ ना करें, उसका धुआं आपके बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो हमने जाना कि आप मॉस्किटो रेप्लिकेंट्स में क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और किन किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। अब हम बात करेंगे, अगर इन केस आपके बच्चों को मच्छर ने काट दिया है तो आपको उसमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे होम रेमेडीज़, यानी कि आपके घरों में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इजीली अवेलेबल होते हैं जो आप अपने बच्चों पे लगा सकते हैं। पहला है एलोवेरा। आप एलोवेरा को मॉस्किटो बाइट्स पे लगा सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है, उससे कोई भी एलर्जी नहीं दिखेगा आपको। एलोवेरा को कट करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में स्टोर करके रखिए। उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तो उसे जेंटली बच्चों के मॉस्किटो बाइट एरिया पे लगाइए और 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसे वॉश कर सकते हैं। देन दूसरा है लेमन जूस। जूस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप लेमन जूस को अपने बच्चों के मॉस्किटो बाइट वाले एरिया में लगा सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है,
अगर आपके बच्चों को उससे कोई भी रिएक्शन हो रहा है या कोई भी एलर्जी हो रही है तो तुरंत ही उसे धो देना है। देन तीसरा है गार्लिक यानी कि लहसुन। गार्लिक एंटीबैक्टीरियल होता है। आप गार्लिक को बीच से कट करके बच्चों का जो मॉस्किटो बाइट वाले एरिया है वहाँ पे जेंटली आप उसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हनी यानी कि शहद। शहद में भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो मॉस्किटो बाइट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट है आइस क्यूब। आइस क्यूब की तासीर ठंडी होती है, इसलिए अगर आप अपने बच्चों के मॉस्किटो बाइट पे वो लगाएंगे तो वहाँ पे वो ठंडक देगा और बच्चों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। आई होप सो फ्रेंड यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो ज़रूर करिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वायरीज हो मॉस्किटो बाइट से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।